बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया। कहा गया कि कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनसे जनता विभाजित हो जा रही है, समाज को विभाजित कर रहे हैं, देश में आंदोलन की जरूरत है। ये बात प्रियंका गांधी ने भी कही और सोनिया गांधी ने भी कही। आखिरकार क्या सच में देश में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हर मुद्दे पर, हर विषय पर हमें आंदोलन करना पड़ जाए? नमस्कार, उद्घोष के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। जब स्थिति बहुत खराब होती है और हमें लगता है जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो बिल्कुल चौपट काम कर रहे हैं, तब हम कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। इसी शब्द का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने भी किया। उन्होंने कहा अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है कि आप संभाल नहीं सकते। आप प्रियंका गांधी का बयान सुनते तो आपको याद होगा जब एक टैगलाइन है जो बीजेपी हमेशा कहती है, मोदी है तो मुमकिन है। उस मोदी है तो मुमकिन है के बाद जो उसका कन्वर्ट किया है प्रियंका गांधी ने, वो अभी आपको सुनाऊंगी। लेकिन कुछ और बयान आए। सोनिया गांधी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत की आत्मा को तार तार कर देगा, ये देश की आत्मा पर चोट है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खिलाफ भयानक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं देश की जनता से कहना चाहती हूँ कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। हम आखिरी सांस तक देश की रक्षा करेंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि आज देश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है। उन्होंने कहा कहाँ है सबका साथ और सबका विकास, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, काला धन कहाँ है, इसके लिए कानून बनाया लेकिन काला धन नहीं मिला है, इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कंपनियों को बेचे जाने के खिलाफ जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आज हमारा पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है, घरों में कैसे सुरक्षित होगा, ये सवाल सोनिया गांधी ने पूछा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी को कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि उसे पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है, देश को बचाना है और हमें कठोर संघर्ष करना है। ये जो बातें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती हैं, क्योंकि कांग्रेस कोई छोटा दल नहीं है, एक राष्ट्रीय बड़ा दल है और बहुत लंबा समय भारत पर शासन करने वाली राष्ट्रीय दल पार्टी रही है वो। लेकिन अगर इस तरीके के बयानों के साथ आज कांग्रेस दिल्ली में पहुंची है और जन समर्थन भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिला, ऐसा नहीं था कि जन समर्थन की कमी नज़र आई, तो क्या ये लड़ाई अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी? क्योंकि जहां कांग्रेस का मुंह खुला, कुछ कहा, आंदोलन के नाम लिया, बीजेपी इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान तक की स्थिति में आईना दिखाने खड़ी हो जाती है। ये जो स्थितियां हैं इन पर चिंता देखते हैं कितनी जाहिर करती है बीजेपी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मजदूर भाइयों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, छोटे बड़े कारोबारी जिन्हें बैंकों से लोन लिया है वो परेशान है, हर जगह से छोटे कारोबारियों की आत्महत्या करने की लगातार खबरें आ रही हैं। आप बताइए कि हम लोग अपने लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? मेरी बहनें अपने पेट काट कर परिवार पालती है और आज वो महंगाई से त्रस्त है। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि विपक्ष अगर इस प्रकार का आंदोलन करता रहे तो जनता को भी कम से कम लगता है कि चलिए विपक्ष जागरूक तो है, और मीडिया को भी लगता है कि चलिए कम से कम विपक्ष जागरूक तो है, क्योंकि आज तक की स्थिति में तो कहीं विपक्ष खामोश सा नजर आया, गुमनाम सा नजर आया, कम से कम आजकल कहीं तो नजर आया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं, बीजेपी पर भी उठेंगे सामान्य सी बात है, तो कांग्रेस पर भी उठेंगे। अगर ये जन विभाजनकारी, अगर मैं इसे कहूँ जो शब्द विभाजनकारी शब्द इस्तेमाल किया गया है कि विभाजनकारी नीतियां हैं, तो 6 साल से क्या कांग्रेस को विभाजनकारी नीतियों पर नजर नहीं पड़ रही थी? ये 6 महीने के दरमियान में जो इतने फैसले लिए गए हैं, प्रियंका गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देती हूँ एक बार। हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तेहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना, भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या, भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री, भाजपा है तो
भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है जब दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे की खामियां दिखाने लग जाएं, तो जरूरत हो जाती है जानने की आखिरकार खामी है कहां पर। चलिए आपको अपने पहले से रूबरू करवाती हूं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगी। रजा रिजवी जी है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद विद्रोही जी है, सामाजिक चिंतक है। के त्रिपाठी जी है मेरे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ है मेरे साथ। अपना वाजपेयी जी है, प्रवक्ता है प्रसपा की। और शबनम पांडे जी है, नेता है भाजपा की। सबसे पहला सवाल शबनम जी आपसे, आखिरकार क्या खामियां है आप में, कौन सी जन विरोधी नीतियां आपने लागू कर दी जिसके खिलाफ आज कांग्रेस जो है वो इतना बड़े रूप में रैली निकालकर देश बचाओ रैली नाम दिया, इसे क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इन्होंने देश बचाओ रैली का नाम दिया है। मेरे हिसाब से इस रैली का नाम होना था कांग्रेस बचाओ रैली, क्योंकि कांग्रेस लुप्त होती जा रही है और कांग्रेस में हर एक मुद्दे पे विभाजन हुआ दिखता है। तो देश का विभाजन नहीं, कांग्रेस का विभाजन होता दिख रहा है। कोई भी मुद्दा ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, 370 ले लीजिए, सीएबी कानून जो आया इसको ले लीजिए, हर मुद्दे पे ये विभाजित हुए दिखते हैं। अब कहती हैं कि अगर अब ना खड़े हुए तो कब खड़े होंगे। खड़े तो इन्हें 20 साल 25 साल पहले होना था, जब हमारी सारी सरकारी सिस्टम ध्वस्त होती जा रही थी, चाहे वो शिक्षा का हो। आज सरकारी स्कूलों को लेके जो हाहाकार है वो 7 सालों में या 2.5 सालों में नहीं हुआ है, ये लंबे अंतराल में इसको ध्वस्त करने दिया गया और आराम से बैठे हुए महलों में सुरक्षा में ये जो अपने को राहुल गांधी कहते हैं, गांधी टाइटल से कोई गांधी नहीं बन जाता, उसके लिए सड़क पे, जमीन पे, देश की धरती पे धूल फांकना पड़ता है तब गांधी बनते हैं। और लेकिन शबनम जी आपको नहीं लग रहा कि कुछ मुद्दे जो कांग्रेस ने उठाए वो वाजिब हैं, वो जायज हैं, वो जनता से जुड़े हुए हैं? मुद्दे बता रही हूँ ना कि क्यों आज हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सरकारी स्वास्थ्य का देखिए, वही हाल करके रखा हुआ था। किसानों को देखिए, आत्महत्या कब शुरू हुई? एक बार प्रॉब्लम जितनी नहीं थी, जितनी 2013 में अभी आर्थिक व्यवस्था भी डगमगाना दिख रही है, नौकरियां भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज 2019 में अगर 100 रुपए प्याज होता है तो हाहाकार मचता है, तब भी हमारी सरकार सचेत होकर उस पर काम कर रही है। 2013 में भी 100 ही रुपए था। आप जो कपड़े 100 रुपए में उस समय खरीदती होंगी, क्या आज भी 100 में वो बिकता है? नहीं बिकता है। और जो महंगाई दर है उनके समय में लगातार बढ़ते चले गए थे, महंगाई पे कंट्रोल किया गया है। आज किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत पेंशन दिया जाता है, छोटे कारोबारियों को पेंशन दिया जा रहा है। तमाम सुधार कार्य किए जा रहे हैं, शायद यही सुधार कार्य। और जो विभाजनकारी काम करते थे, तुष्टिकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टिकरण की, वो खत्म होते देख के कांग्रेस बचाओ रैली के बजाय राष्ट्र बचाओ रैली कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं शायद हम ये बोलेंगे तो जनता हमारे तरफ मंत्रमुग्ध होके आ जाएगी। पर जनता ने देखा कि कैसी बातें करते हैं, कहते हैं जब देखो टीवी में मोदी जनता पहुंची है, लेकिन रैली में कार्यकर्ता भी पहुंचे तो जनता भी पहुंची है रैली में। उनके कुछ मुद्दे अगर मैं कहूं तो जायज लग रहे हैं, विरोध में उतरे हैं वो अच्छी बात है, 6 साल बाद चली नींद खुली, लेकिन खुली तो सही। देखिए, सही है कि कांग्रेस ने बहुत सालों के बाद दिल्ली में एक रैली आयोजित की है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी हिम्मत करके रैली आयोजित की है, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी रैली में वो भीड़ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि उनकी रैली में भीड़ तो आई, जनता तो आई। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जनता आनी चाहिए उस तरीके से जनता नहीं आई, जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है उस तरीके से जो है वो कांग्रेस के लोगों को आना चाहिए। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं विभाजन की ओर तो नहीं है, क्योंकि कई 11-12 इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस तरीके से निकाल दिया गया है कि बिल्कुल जैसे दूध की मक्खी के तरीके से कई बड़े लीडर निकाले गए यहाँ। उन्होंने प्रेस क्लब में बैठ के जो है वो भी किया कि साहब हम तो वरिष्ठ नेता हैं, हमें जो है इस तरीके से निकाला गया है, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हम ऊपर के लोगों से मिलेंगे भी। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है वो चल रही है। हमें लगता है कांग्रेस बचाओ रैली जो है वो जो कहा है बिल्कुल सही, देश बचाओ रैली नहीं है। कांग्रेस जो टूटे ना उसको बचाने की रैली थी। और जो सोनिया जी की आज जो चहक होनी चाहिए थी, आज हमें लगा कि सोनिया जी उस तरीके से वो आवाज़ नहीं कह पाई। अब या तो भीड़ की कमी थी इसलिए नहीं कह पाई, या उनकी तबीयत खराब थी। और आप इनको नया मुद्दा ही अपना लेके आते हैं कि विपक्ष ने जबरदस्ती जो है
नागरिकता बिल के बारे में गुमराह किया मुसलमानों को और कहा साहब मुसलमानों के विरोध में आ गया है, जबकि नागरिकता बिल मुसलमानों के विरोध में है ही नहीं कहीं से। आप देखिए कि जो गुवाहाटी है, जो असम है, असम के अंदर कम से कम 16 लाख जो है वो जो आए हुए हैं हिंदू भाई, उन शरणार्थियों को उनको नागरिकता देने की बात थी। हमने तो कहा कई चैनलों पर कि साहब हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान जाने के बाद आज भी वो मुहाजिर हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, जबकि बंटवारे में यहाँ से गए हैं। और ये जो है जो शरणार्थी बेचारे आए और शरणार्थी थे, शरणार्थी को जो है वो नागरिकता देने की बात है, और शरणार्थी के जो बच्चे वहाँ पैदा हो गए हैं हमारे देश के अंदर, वो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि हम हिंदुस्तान के अंग हैं या अभी हम जिस मुल्क से आए हैं उसके अंग हैं। तो ये जो भारत सरकार ने किया है इसको समझने में देरी कर रहे हैं लोग, और जो है आपस में लोगों से ज्यादा राजा जी, आप ये नहीं कहेंगे कि लोगों से ज्यादा राजनीतिक दल समझ की भी ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल काव्या जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने तो कई चैनल पर कहा कि भैया मुसलमानों से देना देना नहीं है, मुसलमानों क्यों इसमें अंदर ला रहे हो, बिल्कुल सही बात आपने कही। केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति चमका रहे हैं, ये तो सीधा शब्द है। अरविंद विद्रोही जी क्या कहेंगे, आज कांग्रेस सड़कों पर नजर आए, प्रसन्नता है इस बात की, कम से कम विपक्ष जागा तो सही, कुंभकर्णी नींद टूटी तो सही, आज जब सड़कों पर उतरे तो मुद्दे जरूर लाए, लेकिन 6 साल बाद उनको ये पता चला कि जनविरोधी नीतियां हैं। कम से कम वो आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से समर्थन से जनता की भीड़ इकट्ठा की, विपक्ष की शून्यता को दिल्ली में भर करके कुछ दिखाने का प्रयास किया। बिल्कुल। दो चीजें हैं काव्या जी, जी। अभी बात हुई एक तो खेती से जुड़ी हुई, जी। प्याज महंगा है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, पिछली सरकारों में जब भाजपा विरोध कर तब भी नहीं समझ आया, आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि कृषि और कृषि उत्पाद जब महंगे होते हैं तो पूंजीवादी लोगों को और जो तनख्वाह पर जो वेतन भोगी लोग होते हैं उनके पेट में मरोड़ क्यों होता है। 3000 का पैंट, 2000 की शर्ट, 8000 का जूता पहन करके 499 का पिज्जा खाने वाले लोग 100 रुपया किलो प्याज पर क्यों जो है रुदन करते हैं। यहाँ काला बाजारी रोकने की जरूरत है। कृषि उत्पाद जब डॉक्टर लोहिया की परिकल्पना को आज मोदी जी दोहरा रहे हैं कि कृषि उत्पाद लागत को हम 2.5 गुना 2 गुना करेंगे, तो अगर कृषि उत्पाद कोई महंगा हो रहा है तो उससे वेतन भोगियों को और पूंजीवादी ताकतों को पेट में मरोड़ क्यों होता है। सरकारों को काला बाजारी पर रोक लगाना चाहिए, ना कि जो मेहनत कश किसान है उनके अगर वाजिब दाम या उस खेती किसानी से जुड़े हुए व्यापार करने वालों को लाभ होता है। ये बताइए भंडारण गृह क्यों बनाए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज, कि किसान और किसान से खेती से जुड़े हुए लोग अपने आलू का, प्याज का, सबका भंडारण करके उचित मौके पर जब उसका दाम मिले तो वाजिब दाम ले। दाम बांधो नीति डॉक्टर लोहिया ने प्रतिपादित की थी और दाम बांधने की जरूरत 70 साल में क्यों नहीं पूरी हुई, समाजवादियों की मांग क्यों नहीं पूरी हुई। समाजवादियों से मेरा मतलब पार्टी विशेष से नहीं है, विचारधारा से है, क्योंकि समाजवाद सनातन और भारत के संविधान में समाहित है, इसलिए उस मूल विषय पर चर्चा से पूंजीवादी ताकतें राजनीतिक दलों को और सत्ता को मोहरा बना करके सामाजिक चिंतन को भोथरा करके केवल राजनीतिक विमर्श पर टिका देती हैं। दूसरी बात मुद्दे की, मुद्दा आज भी कांग्रेस पार्टी अपने अंतर विरोध से जूझ रही है, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार रिजवी जी ने कहा, ये लड़ाई केवल कांग्रेस के 12 वरिष्ठ साथियों की नहीं है जिनका निधन हुआ, ये लड़ाई गांधी नेहरू परिवार के अंदर चल रही है, राहुल वर्सेस प्रियंका, ये मैं लगातार कह रहा हूं। इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम से लेकर के पंजाब के, हरियाणा के सारे लोग कह चुके हैं। आज सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम पुत्री के ऊपर हावी होकर के राहुल को है, राहुल ने इस्तीफा दिया, फिर राहुल के सिंहासन की ताजपोशी का पहला बड़ा कदम दोबारा ये रैली है। इसके अलावा इनको जनता की समस्या से केवल कहना है, लेना देना कुछ नहीं। के त्रिपाठी जी, क्या सच में देश में अंधेर नगरी है और चौपट राजा है? देखिए काव्या जी, जी बड़ा मौलिक सवाल है कि देश में अगर विपक्ष कमजोर है जी तो संसदीय राजनीति ठीक ढंग से नहीं चल सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उस पे अंकुश लगाने का काम जो विपक्ष का था वो बड़ी शून्यता थी, संसद और सड़क दोनों पे थी। जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे जिस तरीके से हो, कांग्रेस आज खड़ी होकर के कम से कम विपक्ष की भूमिका निभाने का काम दिल्ली में किया, इसके लिए मैं आपके चैनल की तरफ से उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा काम जी। चूंकि आज आप देख लिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज है कि जीडीपी गिर रही, जीडीपी के गिरने के साथ ही साथ देश में
करोड़ों लोग नौजवानों की रोजी रोजगार चौपट हो चुके। अब जाइए आप तमाम सेक्टरों पे आ जाइए, चाहे आप मोटर व्हीकल सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप आपका जो संचार दूर संचार के सेक्टर है उसकी हालत देख लीजिए। सारे लोग छत बिफत छत हैं कि आपकी इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई है कि उसको सिर्फ लाइन पे लाने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि आज संचार मीडिया के साथ चाहे जितनी भी कंपनियां हैं, जियो हैं, आपका एयरटेल है, सारे सारे लोग जमीन पे आ गए, ध्वस्त होने जा रही हैं। उन्होंने मांग कर रहे हैं कि हमको अगर आप बेल पैकेज नहीं देंगे तो दम तोड़ देंगे। तो दूसरा सवाल ये है, आपको लग रहा था सारा फंड जियो की तरफ जा रहा था, ये सारा फंड जो है, सारा जो रचना की गई है, सारी जीडीपी का जो पैसा है, एक दिन में जो आपने नोटबंदी कर दी है, देश को बिना समझे, देश के किसानों को अच्छा, बात बताइए कि सारी, एक बात सारी चीजें जो है, आपको नहीं लगता कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी की कमी आई? आपको नहीं लगता आज ये कारण रहा कि लोग पैसा नहीं लगा पाए बाजार में? आपको ये नहीं लगता? ये आपकी गलत रीतियां हैं, आपकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। आप इस पे कभी चर्चे भी कर रही हैं, आप इसको चर्चा सरकार को करने चाहिए था कि किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको क्यों नहीं कोई बुलाता है? किसान आत्महत्या कर रहा है, उसमें सवाल कोई करने को तैयार नहीं। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, जब आप कैब से आगे बढ़ेंगे, आप कैब पर क्या कभी सदन में आए तो आप उसी पे होल्ड मार जाते हैं, फिर कोई नया बिल आता आप उसी पे होल्ड मार जाते हैं। कहा दाम बांधो आंदोलन डॉक्टर लोहिया का था और एक दस का अंतर था। अब एक हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज्यादा वेतन पाएंगे, एक चपरासी 3,000 रुपए में 4,000 रुपए में काम करेगा, एक दर्ज का अंतर होना चाहिए, खर्चे उसके भी बराबर है, प्रधानमंत्री का बेटा भी स्कूल में पढ़ता है, राष्ट्रपति का भी बेटा स्कूल में पढ़ता है, वो चपरासी का बेटा भी पढ़ता है, तो उसमें अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस अंतर विरोध को लगाम लगाने के लिए विपक्ष को बड़ा मजबूत होना चाहिए। विपक्ष ने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर विपक्ष सजग होता तो शायद जो मुद्दे आज देश में उठ रहे हैं सारे पहले उठ जाते, पहले उठ जाते। अल्पना वाजपेयी जी, आज विपक्ष जागा है, कुंभकर्ण की एक नींद टूटी है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये टूटी रहेगी या वापस अभी शयन में जाएंगे वो? काव्या जी, पहले मैं आपको बता दूं कि विपक्ष आज ही नहीं जागा है, विपक्ष बराबर का अपने धरना प्रदर्शन कर रहा है गलत नीतियों के खिलाफ सरकार के। इससे पहले भी चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किए गए हैं, चाहे महिलाओं की हिंसा से रिलेटेड मुद्दे रहे या महंगाई का कोई भी चीज हो, और भी तमाम रैली प्रतिभा की तरफ से महिला सुरक्षा पर नहीं हुई है। काव्या जी क्या बात, नहीं मैंने खुद के मुद्दों पर उतरी थी, मैं खुलकर बोल रही क्या उतरी थी? काव्या जी महिला सुरक्षा पे आप नहीं उतरी है, झूठ बोलिए। क्या बात कर रहे, अभी हम लोग बैठे थे जीपीओ पे, उसके पहले हम लोग सबसे बैठी थी आप किसानों के मुद्दों पर सड़कों पर उतरी, स्वीकार कर चुके आप उतरी और तारीफ करी मैंने आपकी, क्या उतरी सारे मुद्दों पे उतरे, किस बात की? आप देखिए इसको उस पे मत बांधिए, और आज अगर कांग्रेस उतरी है तो ये भी एक अच्छी पहल है। प्रदर्शन किया, एक जानकारी दे दूं, अल्पना वाजपेयी जी बतौर छात्र संघ उपाध्यक्ष, छात्र नेता से लेके नारी संघर्षों की नेता के लिए एक स्व उपलब्ध नाम है ये, इनकी जब से मैं जानता हूँ 91 से आपकी अपनी राजनीति और संघर्षों की राजनीति रही है, छात्र हितों में कम, महिला हितों के लिए आपने आवाज उठाई, आपने एक राजनीतिक दल का नाम लिया वो अलग विषय है, लेकिन अल्पना वाजपेयी जी मैं प्रतिभा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अरविंद विद्रोही जी मैं यहाँ पे प्रतिभा की बात कर रही हूँ, प्रतिभा की कोई रैली के बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को। क्या क्यों नहीं क्या, अभी महिला पे हम लोग अभी 10 दिन हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, उसके पहले महंगाई के मुद्दे पे बैठे, उन्होंने भिंडी प्याज सब लेके यही जीपे में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, हमने किया। और उसके बाद अगर कांग्रेस आज निकली है तो आपको लग रहा कि चलिए मानिए, हम तो ये देर नहीं लग रही आपको कांग्रेस जी, देर नहीं लग रही आपको? किस चीज की देर लग रही, 6 साल बाद आपको या फिर मैं कह लूं विपक्ष को ये लग रहा है कि विभाजनकारी नीतियां, मतलब आप देश को 6 साल तक त्रस्त होते रहने दिया आप लोगों ने, ये आप रहे जनता रहे जा रहनी है। काव्या जी ये आपको लग रहा होगा, विपक्ष अपने तरीके से हर समय धरना प्रदर्शन और जो जरूरत की चीजें वो करता रहता है, ये आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि हम लोग तो रात दिन परेशान रहते कि आज धरना के फिकल भी, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन को भी बहुत बखूबी जानते हैं अल्पना वाजपेयी जी, बीजेपी को भी हमने विपक्ष में देखा हुआ, ऐसा तो नहीं कि हमने बीजेपी को कभी विपक्ष में नहीं देखा, वो हमेशा
ही सत्ता में बनी रही है। आप क्या कहना चाह रही, आप क्या कहना चाह रही, यही कहना चाह रहे ना, आज कांग्रेस बाहर निकली, अच्छी बात है। मैं तो मैंने पहली लाइन में कही अच्छी बात है, कम से कम जागा तो। कांग्रेस के अलावा भी पार्टियां निकली और भाजपा की सरकार में कितने लोग खुश है बता दी मैं आपको, काव्या जी बता दू, अभी भी थानों में जाइए आप, अभी चार दिन पहले मैं थाने में गई और तमाम महिलाएं अपनी अपनी परेशानियों के लिए रो रही है और ऐसा कहता है कि आप जाइए परसों आइएगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। परसों हम जाते महिला के साथ खड़े होते, वो कहते मैडम के FIR लिखिए और फिर वो लोग कहते कि आप जाइए दो घंटे बाद आप आइएगा, कॉपी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आपको घेरा गया है और अगर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं अरुण वाजपेयी जी कह रही है तो फिर क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था कहाँ है फिर आपकी? और आज भी अभी गुडम्बा थाने का केस है, मैं बता दूं, चलिए तमाम थानों में जेल है। देखिए तमाम जो केसेस लॉज हो रहे हैं, आप लोग हर वक्त विपक्ष ये लड़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़े इसीलिए तो बढ़ रहे हैं क्योंकि FIR हो रहे हैं हमारे सरकार में। अगर कहीं किसी थाने में लापरवाही हो रही है तो उन थाने के सभी अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई भी हो रही है। ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कार्रवाई भी कर रही है और पूरी तरीके से, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पे बार बार जो समीक्षा कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। कल देखिए एक समीक्षा के बाद परिणाम आना भी तो आवश्यक है, आप एग्जाम की तैयारी कर ले, एग्जाम में पास। आप देखिए 1090 181, आप इन दोनों में जाके देखिए, लाखों की संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, महिलाओं की समस्याओं का। अगर शबनम जी ये लोग थाने को इन्फॉर्म कर देते, थाने तक ले जाके महिला को छोड़ देते, आपको मैं बता रही हूँ क्यों इन्फॉर्म करते हैं, वो भी मैं बता रही हूँ, आप पूरी जानकारी रखिए। मैं 1090 भी हर सप्ताह करीब करीब जाती हूँ, देखिए वहाँ 1090 पे टेलीफोनिक समस्याएं जो है उसका समाधान वो निकालते हैं, और फिर कोई हीनियस क्राइम हो या कोई ऐसा क्राइम हो जिसका कि FIR होना और थाने में उससे उसका समाधान होना, उसको थाने में ट्रांसफर किया जाता है। और आप जाके देखिए वहाँ छेड़छाड़ से लेके छोटे छोटे समस्याओं पे महिलाओं ने कंप्लेन दर्ज कराया, ये दिखाता है कि महिलाएं जो है बाहर निकल कर ये विश्वास कर रही है कि हम अगर छेड़छाड़ की भी करेंगे शिकायत तो उसको दर्ज किया जाएगा और हमें समाधान मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि ये मैं नहीं कहती कि अपराध 0% हो गया है, अपराध को 0% करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, और प्रयास आंकड़े दिखा रहे हैं कि ये प्रयास हमारे जारी है और महिलाएं संतुष्ट हैं। बहुत सी नहीं होंगी ये भी मैं मानती हूँ जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, पहले से बहुत बेहतर हुई है व्यवस्था। और किसानों की भी देखें तो किसानों एक आरोप भी शबनम जी आप पे लगा है, जब राहुल गांधी ने मन से कहा आपका मतलब मेरा बीजेपी ही होता है, ये बात समझिएगा, बीजेपी को ये बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि अडानी को उन्होंने 50 कॉन्ट्रैक्ट दिया है पिछले 5 साल में। ये आंकड़े मैं नहीं कह रही, राहुल गांधी कह रहे हैं, देश के एयरपोर्ट उन्होंने पकड़ा दिए, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए हैं, 1,40,000 करोड़ रुपए, 15-20 लोगों का कर्ज माफ, केवल 15-20 लोग क्यों और अडानी ही क्यों, ये सवाल पूछा गया है, पर्टिकुलर नाम लेके बोला है उन्होंने। देखिए राहुल गांधी जी को तो इस बात से भी समस्या है कि मोदी जी टीवी पे दिखते हैं और जनता को बरगला रहे थे कि मोदी जी अगर 1 मिनट टीवी पे दिखते हैं तो आप 1 मिनट के प्रचार का इतना लाख लगता है, तो मोदी जी इतने वक्त दिखते हैं तो अडानी उसका पैसा देते हैं। मैं पूछती हूँ कि आज जो इनकी कांग्रेस बचाओ रैली थी, इस रैली में जो पूरी रैली का पूरा उनके स्पीच को सुनाया जा रहा था, उनकी प्यारी बहन की स्पीच को सुनाया जा रहा था, उसका पैसा कौन दे रहा था? ये जरा सा जनता को उसी वक्त आंकड़े दे देते कि मेरी भी स्पीच का, मेरा तो घंटों का चला है कार्यक्रम, इसका पैसा कौन? देखिए जनता को बरगलाना आसान है, वो सोचते हैं आसान है, पर अब जनता वैसी नहीं है, जनता से उसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, भूल जाते हैं कि जनता टेक्नोलॉजी का ज्ञान अगर कर रहे हैं तो आपका पैसा कौन दे रहा, उस वक्त जनता ने कैलकुलेट कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो स्थितियां हैं जब ये बयान आते हैं तो ये कुछ सोच समझ के होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज विपक्ष सड़कों पर आया, व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे प्रसन्नता है कि आज विपक्ष सड़कों पर आया और इस भारी संख्या में आया, क्योंकि जब आप कमी दिखाएंगे नहीं, लूप होल्स बताएंगे नहीं, तो उन कमियों को भरा कैसे जाएगा? यार रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे चर्चा में।